जी नमस्कार, एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आपका स्वागत है। क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन का पार्ट थर्ड लेके मैं आ गया। अब इसमें क्या क्या करना है ये बात तुम्हें सीखना है। पता है क्या क्या सीखना है आपको? यहां सीखना है टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। लेकिन बस कल टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट वर्ड आने से पहले रिमाइंडर या तो रिपीट करेगा या रिमाइंडर रिपीट नहीं करेगा। यानी रिमाइंडर और डिवीजर के बारे में पढ़ना है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी का तो पहला दिया है 10/3, यानी हम 3/10 करेंगे। 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 आया। यहां रिमाइंडर 1 लिख देंगे। यहां पॉइंट बैठाया, यहां 0 हो गया। 3 3 जा 9, यहां पर भी रिमाइंडर 1 आया। फिर हम भागा देंगे, ये बार बार रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। यानी रिमाइंडर अगर रिपीट कर गया यानी वो रिकरिंग हो गया। यानी 10/3 को 3.33333, यानी इसको आप लिख सकते हो 3.3 पर रिकरिंग। रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो प्रत्येक कंडीशन में ये 1 बच रहा है रिमाइंडर। डिवीजर की बात करें तो यह 3 है। इसी ढंग से कोई दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल लिया, अगर 22/7, यानी 7 को 1 रिमाइंडर 1 बचा, पॉइंट बैठाएंगे 7 1 7 और 7 4 28, यहां 2 बचा, यानी 7 2 14 56, ₹7 5 35, ₹7 7 49, यानी रिमाइंडर पुनः आया। यानी 22/7 को आप डिवाइड करोगे तो इसकी जो रिमाइंडर आएगी 1 3 2 6 4 5, यानी ये 6 के बाद फिर रिपीट करती है 1 3 2 6 4 5। यानी यह क्लियर है कि यह 6 अंक के बाद रिपीट करेगी। यानी 22/7 को लिखा जा सकता है 3.142857, इस पर रेखा। यानी अगर रिमाइंडर रिपीट कर रहा है
इसका मतलब ये भी रिपीट कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि यह बात, एक दो और प्रश्न ले लेते हैं। अब यहां एक है बटे एक ले लेता हूं। अब यहां एट, यहां वन, यहां पॉइंट, यहां जीरो, यहां एट, यहां टू, यानी पहला रिमाइंडर आपका यहां टू बचा। आठ दुना सोलह, यहां चार, और आठ बचे चालीस, यानी चार के बाद यहां जीरो रिमाइंडर आ गया। जब किसी का रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो वह टर्मिनेट कर जाएगा, और जीरो नहीं होगा नॉन टर्मिनेट करेगा। यानी यह टर्मिनेट कब कर गया, यह बात चूंकि रिमाइंडर 240 हो गया, यानी तीन अंक के बाद टर्मिनेट कर गया। यानी यहां 1/8 ऑल्सो बी राइट 0125। टर्मिनेट वाले को बिना डिवीजन किए मल्टीप्लाई से बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे, चूंकि टर्मिनेट का पहचान है कि एन आर बाई डी आर, डी आर को केवल लिख सकते हैं 2n और 5n। ऐसा लिखा जा सकता है डी आर तो वह टर्मिनेट होगा, और ऐसा नहीं लिखा जाएगा तो नॉन टर्मिनेट होगा। यानी ऐसा लिखने पर रिमाइंडर कुछ ही देर के बाद जीरो आना तय है, यानी वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे 1/8 है, 1 का 1 यहां 2 के पावर 3, और चूंकि जीरो का जो निर्माण हुआ है 1 2 और 1 5 से हुआ है, चूंकि यहां पर 10 कर देंगे 1 0 बन गया, और यहां पर 2 के पावर 2 5 के पावर 2 यहां 100 हुआ है, यानी ये 100। यानी यहां पर हम 5 के पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 के पावर 3 का 125 हो गया और नीचे 1000 हो गया, यानी यहां 0.125 हो गया। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता कि यहां 1/125 होता, तो यहां पर 125 को 1, यहां पॉइंट नहीं तो 0, नहीं यहां 0, ये 8 बार में लगता और पहला रिमाइंडर ही 0 आ जाता, यानी इसको 0.008 लिखते हैं। अब यहां पर तुम्हें एक बात को करना होगा, ये 5 के पावर 3 है, यानी 2 के पावर 3 से ऊपर, 2 के पावर 3 से नीचे, यहां 1 और यहां पर 1000, यहां 0.008। यह बात आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी आपको यहां पर सीखना है कि कब टर्मिनेट होगा और कब नॉन टर्मिनेट होगा, यह बात आपको सीखना था। यानी टर्मिनेट तभी होगा जब रिमाइंडर आपका 0 आएगा, और नॉन टर्मिनेट जब 0 नहीं आएगा। अब यहां पर क्या है कि नॉन टर्मिनेट यहां 1 हो गया नॉन टर्मिनेट और 1 हो गया टर्मिनेट। यानी यह शांत हो गया और ये अशांत। शांत कोई कभी हो सकता है, यह बात को जानना है, जब यहां रिमाइंडर 0 आएगा। अशांत कब होगा, बच्चे को कह रहे हो
चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ये रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है, मुंह नहीं बंद कर रहा है। मुंह बंद करेगा तब तो जीरो होगा, यानी उस केसेज में रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। अब यहां पर नॉन टर्मिनेट का अगर रेशनल में हम बात करें तो यह क्लियर है कि जो नॉन टर्मिनेट होगा वह पीरियोडिक होगा, यानी रिपीट करेगा, यह बात कंफर्म है। अगर 2.35 पर एकरिंग है मतलब ये 5555 आ रहा है, अगर 2.12 पर एकरिंग है इसका मतलब 2.12 12 12 12 12 है। लेकिन अब इधर टर्मिनेट वाली बात तो तुम सीख ही गए हो, अब यहां पर नॉन टर्मिनेट की अगर हम बात करें तो अगर रेशनल को हटाओ और इरेशनल की अगर हम बात करें, जैसे कोई कह दे कि 2.12 112 112 412, यह देखो आपका, या आपका आसान है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ चूंकि रिपीटेशन पता नहीं चल रहा है इसलिए यह इरेशनल है, और रिपीटेशन इसको पता चल रहा है यानी रेशनल है, यानी यहां पर रिमाइंडर रिपीट करते दिखाई देगा लेकिन यहां रिमाइंडर यहां रिपीट करते दिखाई देगा लेकिन यहां रिमाइंडर रिपीट करते दिखाई नहीं देगा। यानी अब आगे हम बात करेंगे। अब यहां पर एक प्रश्न आएगा कि अगर यानी x बराबर 2.3 पर रेकरिंग है, अब आपको इसको हमको p अपॉन q के फॉर्म में करना है, तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 23.3 पर रेकरिंग। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0.3 पर रेकरिंग। अब यहां पर 10x इज इक्वल टू 23 और 0.3 को रेकरिंग को हम x माइनस 2 लिख सकते हैं, यहां 10x माइनस x इज इक्वल टू 23 माइनस 2। कोई भी विद्यार्थी इसे ना घटाए, चूंकि ये हम गणित बताने वाले हैं, 23 माइनस 2 10 माइनस 1। ऑल्सो विराट वी राइट 23 माइनस 2 बाई 9। चलो एक और प्रश्न ले लेते हैं, चूंकि एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप प्रयास करते करते वहां पर अच्छे ढंग से सीखने का प्रयास। एक प्रश्न और ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2.1 और 3 पर एक। अब देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट को रेकरिंग के पास ले जाना है, 10 से ही कर देने से काम चल जाएगा, सॉरी पहले 10x से करेंगे तो 21.3 पर रेकरिंग, यानी 21 प्लस 0.3 पर रेकरिंग, यानी आप 10x माइनस 21 इजकल टू 0.3 पर रेकरिंग। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 213.3 पर रेकरिंग। अब यहां 100x बराबर यहां 213 तो है ही और इसके जगह पर 10x माइनस 21, ये इधर आ गया 90x और यहां 213 माइनस 21 यानी x बराबर 213 बाई 90।
एक छोटा सा और प्रश्न लेना होगा, तब आपका इस क्वेश्चन का जवाब हम अच्छे से दे देंगे। एक्स बराबर 2.11 पर एक, यानी यहां पर 100 एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 211 प्लस 0.11 पर एक, यानी 100x 211 इक्वल टू 0.1 पर एक। अब यहां से भी इसको लिख सकते थे, ये लाइन लिखने की अभी जरूरत नहीं। यहां x माइनस टू इक्वल टू 0.1 पर एक। अब यहां पर इस पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहां पर 100x इक्वल टू 211 प्लस 0.1 पर एक। यहां पर 100x है, 211 है और x माइनस टू है, यह x इधर आ गया 19x 211 माइनस टू। x इक्वल टू 211 माइनस 2 बाई 99। यह तीनों रिक्टेंगल को अच्छे से घेरा गया। अब प्रश्न होगा कि आपने क्या देखा। यह बात तुम देखो, जब हरा पेन ले लेंगे, जब यह प्रश्न था तो तुम 23 का 23 लिखा, जिस पर रेकरिंग नहीं था उसको घटाया, उतना 9 उतारा जितना पर रेकरिंग था, एक था तो एक। बोलो यस नो। क्वेश्चन नंबर टू देखो, यहां 213 का 213 किया, तीन पर रेकरिंग है बाकी पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दिया, जितना रेकरिंग था उतना 9 लिखा, डेसिमल के बाद वैसा अंक जितना पर रेकरिंग नहीं था उतना 0 लिखा। क्लियर हो गया। अब ये तीसरी प्रश्न, जो अंक था वो लिख दिया, जिस पर रेकरिंग नहीं था उसको घटा दिया, ठीक, जितना पर रेकरिंग था उतना 9-9 लिखा। क्लियर है। यानी एक टेक्निक तुम्हें समझ में आ गया है, वह टेक्निक क्या है कि अगर एक्स बराबर ए बी पॉइंट सी डी पर ए रेकरिंग है तो ऐसे P अपॉन Q में फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए बी सी डी माइनस ए बी सी बाई 90। यस या नो। अब हम चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चन यहां पर भी कर लो, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो मैं कराऊंगा ही, क्योंकि जितना बढ़िया आपकी लॉजिक क्लियर होगा हम उतना ही खुश होंगे। ऐसे है तो कैसे हो जाएगा, 215 माइनस 21 बटे 9 और 0। बोलो, पहले 215 को लिख देंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसका घटा देंगे, जितना 9 लिख ए जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, दशमलव के बाद वैसा अंक जितना नहीं होता 0 लिख देंगे। अब बुझवानी नहीं, अगर जवाब दे दिया तो सर का स्टूडेंट बेकार। क्या जवाब हो जाएगा जल्दी बताओ, 2389 23 बटे 99 और ये 0, आराम से आ जाएगा। लेकिन कभी तुम लोग सोच के देखो, क्या सोचना है, एक्स बराबर 0.9 पर रेकरिंग हो, सोचो फॉर्मूला के अनुसार 9 माइनस
जीरो बटे नाइन हो जाएगा, नाइन से नाइन कट गया वन हो गया। बोलो, अब प्रश्न यहां पर यह उठेगा कि यहां पर ये चार और इक्कीस में से दो गया, यानी इसको पुनः हम डिवाइड करेंगे तो ऐसा लिखा जा सकता है। बोलो यस सर। यहां पर भी अगर हम बात करें तो इससे पुनः यह लाया जा सकता है, लेकिन सोच के देखो क्या इस वन से यह ला सकते हो अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में, अपने घर में? इस बात की चर्चा करो, या स्कूल में क्लास करते हो तो स्कूल के टीचर से बात करो। एक प्रश्न और देता हूं, 2.9 पर एग्रीइंग है, क्या हो जाएगा 29 माइनस 2/9 यानी 27/9 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो आप जरूर इस प्रश्न को पूछेंगे अपने मोहल्ला में। तो यहां पर देखो सिंपल है, ये 0.9 पर रेकरिंग है तो 0.9999999999999 लिखा गया, जो लगभग 1 के बराबर है। एक्यूरेट 1 के बराबर नहीं है, इसके बराबर है, ये आपका 1 जो है एक्यूरेट नहीं है, इसलिए इससे चेंज नहीं कर सकते। यानी यहां पर जवाब दे सकते हैं कि 9 जब तक बॉडीगार्ड के साथ नहीं हो तो उस पर आप रेकरिंग नहीं लगा सकते। आया बस। अब आपको और कुछ क्वेश्चन की बात हम करते हैं। एक्स इज इक्वल टू यहां 15 और ऐसे है, अब रेकरिंग लग जाएगा क्योंकि ये बॉडीगार्ड के साथ है, यानी यहां पर 2/59 माइनस 21/990। ठीक, एक्स बराबर 2.90 ठीक लग सकता है, 290 माइनस 2 हो गया, लेकिन यही बॉडीगार्ड अपने आप को बॉडीगार्ड बना ले, यानी 299 माइनस 2/99 यानी 297/99 यह 3 बार में कट गया, तो यह नहीं लग सकता। यानी कब लग सकता है और कब नहीं लग सकता है यह बात आप अच्छे से जान चुके हैं। आप ये चैनल एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस, यानी इतना ज्ञान अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो क्वेश्चन विंडो का टाइम आने वाला है और आ गया है। बिल्कुल, यानी आपने 25 मिनट हमारे साथ बिता दिए, क्योंकि घड़ी मेरे अनुसार चलता है, हम घड़ी के अनुसार नहीं चलते। 25 मिनट आप हमसे साथ बिता दिए। आइए हम लोग एक्सरसाइज देखते। राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रॉम एंड से व्हाट काइंड डेसिमल एक्सपेंशन इज हिज क्लास। यह टर्मिनेटिंग हो जाएगा और 0.36 होगा। पूछो क्यों, चूंकि ये 36 को 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 36/100 यानी टर्मिनेटिंग के डिफरेंशन होते हैं डेसिमल फॉर्म में करने के लिए आपको आ गया। लेकिन यहां 1/11 यह आपकी रिपीट करेगा, क्योंकि
ये 2 और 5 से नहीं लिखा गया है, 11 20 में यूज है। यानी 11 को 1 से आपने कर दिया, दिया पॉइंट बैठाया, 0 आ गया, 11 99, फिर ये क्रिया चालू हो जाएगा। यही आकर आपने 11 को यहां 2 कर दिया, पॉइंट बैठा दिया 0, तो यहां 0 बैठाने से 1 बार में लग गया, 11 88, फिर 2 आ गया, 11 11, फिर 2 ये 9 आ जाएगा, 11 88। यह क्रिया यानी इसकी रिमाइंडर, पहले 9 फिर 2 9 2 आते रहेगा, यानी यहां पर भी आते रहेगा। यानी 0 पॉइंट यहां 18 पर एकरिंग होगा, जब चाहेंगे जब इसे आप बना सकते हैं, तो 18 माइनस 0 बाई 19, यानी 18 बाई 19, 11 99, 11 2 9 9 9 11 99, 9 2 18, यानी 2 बाई 11। इसी ढंग से आप बातें को कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। और यहां 0.09 पर रिकरिंग है, यानी इसको आप 9 माइनस 0 बाई 99 लिख सकते हैं, 9/99 हो जाएगा, कट के 1/11। अब यहां पर ये होल छूट गया है, यानी 4 और 1/8 है, यानी इसको तो अभी लिखाना सिखाए थे 1 2 5। इसी ढंग से इसको भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले इसको करना होगा। तो यहां 3 13, यहां 3 है पॉइंट, 13 2 26, 13 3 39, अब एक आया 0 नहीं आएगा, अब 91 यहां 9, फिर 78 12 9 117, 13 2 26 और 4 आ गया, यानी रिपीट कर गया। यही तो यहां लाना था। अगर रिमाइंडर की बात करेंगे तो पहला रिमाइंडर 4 आया, फिर 1 आया, फिर 9 आया, फिर 12 आया, और फिर 3 आया, फिर 4 आया, यानी इस पर रेकरिंग हो गया। हम समझते हैं 2/11 तो कर ही दिए थे, यह प्रश्न में भी कोई ढंग का दिक्कत नहीं। 3 2 9 है, 2 के पावर 4 है, 5 के पावर 2 है, ऊपर 5 के पावर 2 से 5 के पावर 2, यानी 329, यहां पर 25, और ये आराम से आ गया। अब हम लोग यहां पर दूसरी क्वेश्चन को देखना है। यू आर नो दैट 1/7, बिल्कुल कैन यू प्रिडिक्टेड व्हाट इज द एक्सपेंस एंड 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, बिल्कुल इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर यहां पर 2/7 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 14 5 2 10 11 8 2 16, 16 1 17, 2 2 4 1 5, और 14 2 28,
फिर अगर 3/7 लिखना रहे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 2 = 17, 8 × 3 = 24, 1 = 25, और 3 × 2 = 6 = 8, और 4 × 3 = 12, और 3 × 1 = 4। ये 4/7 को इसी ढंग से लिख सकते हो। तो यहां पर 7 × 28, 5 × 20, 2 = 22, 8 × 32, 34, और 3 × 2 = 6, 9, और 14 × 3 = 42। सॉरी, यहां गलती हो गया। 7 × 28, 5 × 20, 2 = 22, और 8 × 32, 34, और 4 × 2 = 8, 3 × 11, और 14 × 56, 157 ऐसे। लेकिन 6/7 तक जा सकते हो, लेकिन यहां पर तुम देखो कि जब 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह लगभग में इक्वल होगा, यह लगभग में इक्वल होगा। कारण यह है मेरे भाई बहनों, 0.142857 यह रेकरिंग में है, ना कि यह इक्वल है। यहां यह इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल तो यह इसका है। यह बात तुम्हें समझना है। रेकरिंग रहेगा तब इक्वल होगा, यानी ये वाला पार्ट छूटा तो लगभग में जब इसको 7 से गुना करेंगे तो यह जो है आपका 1 के बराबर नहीं आएगा, थोड़ा सा कम जाएगा। यह बात आपका क्लियर। अब यहां पर कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पी अपॉन क्यू के फॉर्मूले लिखना है, क्यू नॉट इक्वल 0, है ना। आराम से लिख सकते हो यार, 0.6, पॉइंट हटा दिया तो 10। इसको भी लिख सकते हो, पॉइंट हटाने पर यहां पर 2 हो जाएगा, 2 0, और यहां पर पॉइंट हटाने पर यहां पर 000 हो जाएगा। अब अगली प्रश्न तुम्हारे पास आता है, एक्सप्रेस 0.99 हमारे बाबा को बताया था कि पे अपॉन क्यू के फॉर्म में अपने क्लासमेट से डिस्कशन करो, अपने क्लास टीचर से डिस्कशन करो। यह रेकरिंग नहीं लग सकता है, क्योंकि यहां पर जब इसकी सॉल्व करोगे ये 0.999999 को, तो यह 1 के बराबर हो जाएगा, और 1 इसके बराबर नहीं होगा। यह जो है लगभग में 1 का इक्वल माना गया है। यह बात आपका क्लियर करना था। आइए हम लोग देखते हैं यहां व्हाट इज द मैक्सिमम डिजिट और रिपीटेशन 1/17। तो यानी यहां पर 17 को 1 पॉइंट हर बनाना नहीं है, 17 × 5 = 85, 15 आ गया। अब 17 × 36 = 136, अब यहां पर 17 × 6 = 17, 17 × 36 = 19 से 119, ओ 36 से लग सकता है, 136, यहां पर 4, अब 0, 17 × 34, यहां पर 70 × 51, अब 68, सत्रह सते 19 से, और रिपीट कर गया है रिमाइंडर, यानी 0.05882347 इस पर रेकरिंग हो जाएगा। आगे लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू, पी एंड क्यू इंटीजर्स, नो कॉमन फैक्टर अदर देन आई एम हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन एंड गेस टू व्हाट द क्यू का वैल्यू। तो क्यू का वैल्यू हम तुमको बताए हैं कि 100% 2 के पावर m और 5 के पावर n में लिखा जाना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं, राइट द थ्री नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, बिल्कुल आंख बंद करो, 2/7, 2/9, जो कुछ लिखो, लेकिन यहां जो डिनोमिनेटर बनना चाहिए वह 2 और 5 के अलावे कोई टर्म लिख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा।
फाइंड द डिफरेंट नंबर रेशनल इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर, यहां पर आप देखो तुमको लॉजिक से निकालना है। इसको हल किया 749, इसको हल किया 0.8, इससे बड़ा लेना है तो 0.72 ले लिया। अब रिपीट करवा दिया 333 या 0.72 ही ले लो, 0.73 ले लो, 0.78 ले लो, ये रेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर होगा तो यहां पर 0.72 1 2 1 1 2 ट्रिपल 1 2 4 गो 1 2 5 गो 1 2 ये ऐसे आ गया। और यहां पर तुम्हें चेक करना है कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। यहां पर देखो यह इरेशनल नंबर है, यह रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और 478 478 रिपीट कर रहा है, रेशनल नंबर है, यहां रिपीट नहीं कर रहा है, इरेशनल नंबर है। यानी आपका समय समाप्त हो गया और आपको हमने 30 मिनट आपके साथ बिता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।